तेजा जी से प्रश्न क्या क्या आते हैं, धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था, धोलिया वीर कहा जाता है, काला बाला के देवता कहा जाता है, तो तेजा जी सहरिया जनजाति के आराध्य देवता है, बासी की दुगारी बूंदी के अंदर एक स्थान है जो तेजा जी की कर्मस्थली कहलाती है। खेती शुरू करते हैं, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो ही गाजो सावन भादुओ, अरे तेजा जी महाराज वो गीत गाते हैं जो लंबी टेर में, ओ तेजा बिल्कुल ऐसे गीत गाते हैं ना जो, तेजा जी थारी बांबी माता बैठो कालो नागर, वो गीत सुन रहे थारो वो भी अठिया नाल्या का चौधरी झरो के झांक, तो लीलन छमछम नाच, घोड़ी का नाम याद हो गया होगा लीलन, खरनाल में जन्म हुआ है, नागौर के अंदर धोलिया गोत्र में जन्म हुआ है, पिता का नाम ताहरजी जाट है, माता का नाम आप यहाँ पर रामकुमारी देख रहे हैं, पेमल देव और तेजा जी का विवाह है जो बचपन में हुआ था, फिर इनके जो काला मामा थे उनके मध्य झगड़ा हो गया, जब लड़ाई हो गई तो फिर वो अपने अपने घर पे ले गए। अब क्या हुआ, तेजा जी की जो भाभी थी तो बोलिया भैया रोटी तो बढ़िया लिया था भाभी सा, भाभी सा ने बोला भी अगर तने बढ़िया रोटी खानी है, गरम गरम रोटी खानी है तो जार थार लुगाई ने लिया। तेजा जी गए, तेजा जी जा रहे थे तो वहां पर जब घर पर पहुंचे तो कहते हैं इनकी जो सासू जी थी वो गाय का दूध निकाल रही थी, और उसी दरवाजे पर जाकर जब घोड़ी ही नहीं आई तो वो दूध ढेर गई। लाचा गुजरी कहते हैं कि उन्हें अपने साथ ले गई, जब उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं तेजा हूं और मैं यहां पर अपनी पेमल से मिलने के लिए आया, उसके बाद लाचा गुजरी के घर भोजन किया, तभी मेर के मीणाओं ने क्या किया कि लाचा गुजरी की गायों का अपहरण कर लिया। तब तेजा जी वचन देते हैं और उसकी गायों की रक्षा के लिए जा रहे होते हैं, तब देखते हैं कि रस्ते में एक सांप था जो जल रहा था, आपने बोला कि आपने मुझे बचाया क्यों, मेरा ये तो जीवन जो है वापस दुख में हो जाएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये खड़े हुए जो हरे वृक्ष है ये सूख जाए, और वो चले जाते हैं। जाने के बाद में मंडावरिया नामक स्थान पर मेयर के मीणाओं से युद्ध होता है, युद्ध के अंदर तेजा जी बुरी तरह घायल हो जाते हैं और वापस उसी सांप के पास अपना वचन निभाने के लिए आते हैं।